अगर आप भी भारतीय टीम को अंडर 19 की सबसे बेहतरीन टीम मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट इस समय विश्व के सभी प्रारूपों में अपनी बादशाहत कायम कर चुका है और इसी सिलसिले में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अंडर 19 का सेमीफाइनल मैच खेला जा रहा है जिसमें भारतीय टीम शानदार प्रदर्शन कर रही है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे अंडर 19 मुकाबले की हाईलाइट के बारे में। लेकिन उससे पहले भारत का सबसे बेहतरीन अंडर 19 गेंदबाज कौन सा है, अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, भारतीय टीम के अंडर 19 खिलाड़ी इस समय वनडे वर्ल्ड कप 2022 वेस्ट इंडीज में खेल रहे हैं, जहां भारतीय अंडर 19 टीम के ज्यादातर खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और भारतीय अंडर 19 टीम ने पहले मुकाबले में आयरलैंड को 174 रन से हराया था, तो वहीं दूसरे मैच में भारतीय अंडर 19 टीम ने युगांडा को 326 रनों से बुरी तरह हराया और इसके बाद बांग्लादेश को क्वार्टर फाइनल में 5 विकेट से हराया और सेमीफाइनल में प्रवेश किया, जिसमें भारतीय अंडर 19 टीम ऑस्ट्रेलिया में सेमीफाइनल खेलती हुई दिख रही है और भारतीय अंडर 19 टीम के कप्तान यश धूल ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया, तो वहीं भारतीय टीम में एंग्रिश रघुवंशी, हरुण सिंह, शेख रशीद, यश धूल, निशांत सिंधु, राज बावा, कौशल तांबे, दिनेश बावा, विक्की ओसवाल, रवि कुमार और राजवेंद्र हंगकारा शामिल थे। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम में कूपर कोनोली ऑस्ट्रेलिया की टीम के कप्तान हैं और इनके साथ कैंपेबेल केलावे, पीक विली, कोरी मिलर, लैंचलन शॉ, निवेथन राधाकृष्णन, विलियम सोल्जरमैन, टोबियस टॉम वाइटनी, जैक सिनफील्ड, जैक निस्बिट टीम में शामिल है। तो वहीं यश ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनकर कहा कि पिच बल्लेबाजों के अनुकूल दिख रही है और अगर यहां हम एक टारगेट सेट करते हैं तो उसे बचाने में कामयाब हो सकते हैं और टीम में एक बदलाव किया गया है और निशांत सिंधु की प्लेइंग 11 में वापसी हुई है और यश ने कहा है कि हम नॉर्मल क्रिकेट खेलने की जरूरत है और दबाव नहीं लेना है। तो वहीं भारतीय टीम के बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए उतरे, जिसमें हरनूर सिंह और अंकेश रघुवंशी बल्लेबाजी के लिए आए, तो वहीं गेंदबाजी करने के लिए टीम टॉम विटनी आए और भारतीय टीम ने अपना खाता वाइट के साथ पहले ही ओवर में खोला और रघुवंशी ने अपना खाता पहले ओवर की आखिरी गेंद पर खोला और दूसरा ओवर कराने के लिए जेट निस्बेट आए और हरनूर सिंह ने अपना खाता तीसरे ओवर की पांचवी गेंद पर टॉम विटनी को शानदार चौका लगाकर खोला। तो वहीं चौथा, पांचवा, छठवा और सातवें ओवर में एक एक रन आया और आठवें ओवर में विलियम बॉलिंग करने के लिए आए और उन्होंने इस वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन कर रहे रघुवंशी, जिन्होंने 272 रन अभी तक बनाए थे, उनको बोल्ड कर दिया, जिस वजह से रघुवंशी 6 रन बनाकर आउट हो गए और पहला विकेट 16 रन पर गिरा और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए शेख रशीद आए और 9वें ओवर की चौथी गेंद पर रशीद ने शानदार चौका जड़ दिया और 10वें ओवर की अंतिम गेंद पर हरनूर सिंह ने शानदार चौका जड़ा। तो वहीं 10 ओवर के अंत तक भारतीय टीम ने शानदार बल्लेबाजी करके 30 रन एक विकेट के नुकसान पर बनाए। तो वहीं गेंदबाजी में टॉम ब्रिटनी ने 5 ओवर में 15 रन और जैक निबेट ने 3 ओवर में 5 रन दिए और विलियम ने 2 ओवर गेंदबाजी कराई और 10 रन देकर एक विकेट लिया। और अगर भारतीय टीम इसी तरीके से शानदार प्रदर्शन करती रही तो 50 ओवर में 225 रन के आसपास बना लेगी। दोस्तों, इस मुकाबले को कौन सी टीम जीतेगी, अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।